अब मैं आप लोगों को स्क्रू गेज के बारे में बताऊंगा। तो स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्क्रू गेज का यूज होता है एक्सट्रीमली 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 स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है स्क्रू गेज का। लाइक एज ग्लास सीट, ग्लास का जो सीट है वो काफ़ी पतला सीट होता है, उसको मेजर करने के लिए किसी पतले वायर है, इस वायर का अगर लेंथ हो, इस वायर का अगर विड्थ मेजर करना हो, डायमीटर मेजर करना हो, तो हम लोग इसे स्क्रू गेज से मेजर करते हैं। तो स्क्रू गेज के हम प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हैं कि स्क्रू गेज का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे स्क्रू गेज काम करता है। तो स्क्रू गेज क्या होता है कि इसमें स्क्रू बने होते हैं, इस तरह का एक मेटल का रॉड होता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्क्रू बने रहते हैं, और जब हम इसको घुमाते हैं क्या होता है, ये दो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्या है कि इसमें लीनियर मोशन भी होता है, लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है, और क्या है स्क्रू का रोटेशन भी होता है। तो रोटेशन से इसका एंगल भी चेंज होता है और लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो एंगल ऑफ रोटेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो लीनियर डिस्टेंस है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रोटेशन के प्रोपोर्शनल होता है स्क्रू गेज में। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है। और अब मैं थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का है। तो इसका फिगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने फिगर बनाया हुआ है, तो इस फिगर को आप लोग देखिए। इसमें कि यहाँ मेटल का एक स्ट्रिप लगा रहता है जिसको हम लोग पी बोलते हैं, और ये यू शेप का एक फ्रेम होता है, ये गन मेटल का बना हुआ होता है, यू शेप का एक फ्रेम लगा हुआ है इसमें। ये भी यहाँ क्यू भी है, एक मेटल का स्ट्रिप ही है, और जो इसका प्लेन पी का सरफेस है वो प्लेन होता है, इसको स्टड बोलते हैं। उसी तरह से क्यू का भी सरफेस होता है, वो क्या होता है, वो भी प्लेन होता है। ये एस हैं, स्क्रू हैं, जो कि स्क्रू कसे हुए हैं। अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे, यहाँ से घुमाया जाता है लास्ट पोर्शन से, तो ये क्या होता है, स्क्रू घूमते जाता है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ जो जानने वाली है, इसमें दो स्केल लगे रहते हैं, इसको मेन स्केल बोलते हैं, जो स्क्रू के एक्सिस के पैरेलल में है, ये मेन स्केल होता है। इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm होता है या 0.5 mm होता है, तो इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं। और जो इधर एक कैप लगी हुई है, ये सर्कुलर कैप होता है जो ये भी घूमता है। तो ये सर्कुलर कैप में टोटल या तो 50 डिवीज़न होते हैं या 100 डिवीज़न होते हैं, तो इसको हम लोग सर्कुलर, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल बोलते हैं, और इसको मेन स्केल बोलते हैं। दो स्केल इसमें लगे होते हैं, इसमें रैचेट होता है, ये जो आर्स पीछे लगा हुआ है उसी के थ्रू हम लोग इसको पीछे से टाइट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है हम लोग यहाँ रखते हैं, पी और क्यू के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिए हम आप लोगों को। इसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन के बाद हमको क्या जानना है, इसके लीस्ट काउंट के बारे में जानना है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट था इसका लीस्ट काउंट कैसे पता करते हैं। तो लीस्ट काउंट जानने से पहले, हम एलसी से दिखाएंगे लीस्ट काउंट को, लीस्ट काउंट जानने से पहले हमको पता करना है पिच क्या होता है। तो पिच अगर एक बार हम रोटेट करें, ये जो पीछे वाला रैचिट है, अगर इसको हम एक बार रोटेट करें, तो जो सर्कुलर स्क्रू है जितना डिस्टेंस एक रोटेशन में ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं पिच बोलते हैं। तो पिच क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्क्रू इन वन रोटेशन। तो स्क्रू के द्वारा वन रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, वो डिस्टेंस किस पे ट्रेवल करेगा, तो वो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो मेन स्केल पे ट्रेवल होगा। तो अगर इसको हम आर रैचिट को घुमाते हैं, तो ये मेन स्केल पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रोटेशन में
एक रोटेशन में मतलब यहाँ जीरो से शुरू करके और फिर जीरो पे आ गए, ऐसे जीरो से घुमा करके और यहाँ 100 तक, जो 95 के बाद 100 तक बना होगा, तो जीरो से घुमा के फिर जीरो पे आ गए, उतने में जो मेन स्केल पे डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो जब हमको पिच मालूम हो गया तो जनरली ये क्या होता है, ए अराउंड 1 mm होता है कुछ केस में, और कुछ स्क्रू गेज वैसे होते हैं जिनमें कुछ में क्या होता है 0.5 mm भी होता है पिच। तो पिच 1 mm या 0.5 mm होता है। अब हम लीस्ट काउंट के बारे में बता रहे हैं, तो जो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का होता है वो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे जितने डिवीजन बने हैं टोटल डिवीजन कितने हैं, ए अराउंड 100 होता है, ए 100 के करीब होता है, या कुछ ऐसे हैं जिनमें 50 भी डिवीजन होते हैं, 50 डिवीजन्स भी होते हैं लेकिन क्या है मेनली 100 ही होता है, या कुछ ऐसे भी स्क्रू गेज हैं जिसमें 50 डिवीजन्स भी होते हैं। तो अब हमको पिच मालूम हो गया, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो जो ये सर्कुलर स्केल है इस पे कितने डिवीजन है, तो जीरो से लेकर के और 95 ऐसे एक राउंड घूम के आते हैं, तो ये टोटल 100 हो जाता है। ये पांच पांच डिवीजन का, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके 95 तक रहा, 95 के बाद 96, 97, 98, 99 और 100 तक हो गया। तो इस तरह से 100 डिवीजन है। तो अब हमको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच, पिच क्या है डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन, तो ये कितना है 1 mm है, और अपॉन टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है 100 हैं, तो 1 mm को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो 0.1 cm अपॉन 100 हो गया। ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 में 100 का अगर हम डिवाइड करें तो ये हो गया 0.001 cm, ये इतना हो गया। तो लीस्ट काउंट क्या है इसका, 0.001 cm हो गया। ठीक है, अगर लीस्ट काउंट अब हमको मालूम हो गया तो हम रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, तो जो रीडिंग पढ़ने का तरीका है, रीडिंग इज इक्वल टू होता है मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग ms की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है। ठीक है, तो ये होता है। अब जैसे इसमें देखिए, तो इसमें अगर हमको पता करना हो, जो अभी हमने यहाँ बनाया हुआ है फिगर, तो अगर इसमें हमको पता करना हो तो इसमें मेन स्केल पे कितना चला हुआ है, कितनी रीडिंग है, 2.2 है, 2.2 दिख रहा है, तो जितना दिखे उसी को बोलेंगे। और जो सर्कुलर डिवीजन में कितना है, 30 है 31 32 है, 32 है। तो मेन स्केल पे अभी जो हमने बताया, तो इसमें मेन स्केल पे कितनी रीडिंग है, मेन स्केल पे ऐसे अब हम रीडिंग लिखेंगे, तो मेन स्केल पे कितनी है, 2.2 है, 2.2 cm है, और लिस्ट काउंट इसका कितना है, 0.001 है, और 0.001 है लिस्ट काउंट। और सर्कुलर स्केल पे कितनी रीडिंग है, तो सर्कुलर स्केल पे यहाँ देखिए 30 है 31 32, उस रीडिंग को लेंगे जो मेन स्केल वाले एक्सिस के जस्ट सामने हो, जिस जो मैच कर रहा हो, तो क्या है 32 है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2.2 और प्लस 0.032, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2.232 cm। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें हम लोगों को और इस लेसन में कुछ पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है, ये स्फेरोमीटर दिया हुआ है, ये भी स्फेरोमीटर का भी यूज हम लोग करते हैं, कि वो भी स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं। और मेनली ये क्या है, जैसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसमें 3 लेग बने हुए हैं, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस में क्या है, एक सरफेस तो प्लेन होता है लेंस का, और दूसरा सरफेस क्या होता है, ऐसे उठा हुआ, ऐसे सरफेस ऊपर की ओर उठा रहता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस में। तो हम क्या करते हैं कि एक बार इसको प्लेन पे रख देते हैं, और दूसरी बार जो उठा हुआ सरफेस है उस पे रख करके और ऐसे ऊपर से इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं, इसको ढीला करते हुए, तो ये स्केल ये वाला ऊपर की ओर जाता है। और इस तरह से हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस की मोटाई को मेजर कर सकते हैं, कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस
कितना मोटा है, तो इसका भी यूज स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही होता है। ये सब नोट्स हम शेयर करेंगे और इसमें भी लिस्ट पिच उसी तरह से करते हैं कि डिस्टेंस वन रोटेशन में वो कितना इस वर्टिकल स्केल में कितना दूरी ट्रेवल करता है, वन रोटेशन में ये मतलब जीरो से चले फिर जीरो पे पहुँचे तो कितना वर्टिकल स्केल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको पिच बोलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इस सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, टोटल 100 डिवीजन है, तो इसमें भी पिच से 100 का डिवाइड कर देते हैं तो हमको लिस्ट काउंट मिल जाता है। तो लिस्ट काउंट मिलने के बाद हम रीडिंग ले लेते हैं। अगला इसमें क्या पढ़ना है आप लोग को, एमीटर के भी बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस में दिया हुआ है कि थोड़ा सा एमीटर के बारे में पढ़ना है। तो एमीटर के बारे में पढ़ना है, तो एमीटर क्या है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर द करंट, करंट का मेजरमेंट हम लोग करते हैं। इसलिए एमीटर को कैसे लगाएंगे, तो सर्किट में जो करंट बह रही है तो एमीटर को कहाँ लगाते हैं, सीरीज में लगा देते हैं। तो किसी सर्किट में अगर करंट ऐसे बह रही है, करंट आई बह रही है, तो इसको एमीटर को कहाँ लगा देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं। तो ये एमीटर के बारे में बहुत इंट्रोडक्शन हल्का सा जानना है, उसी तरह से वोल्ट मीटर के भी बारे में। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं, इससे वोल्टेज मेजर करते हैं, दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर करते हैं। तो ठीक है, तो अगर किसी सर्किट में ऐसे करंट बह रही है तो वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे सर्किट में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। जैसे ऐसे करंट बह रही है सर्किट में, तो अगर दो पॉइंट हैं ए और बी के बीच में हमको वोल्टेज पता करना है तो क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में लगा देते हैं। तो ये हमको वोल्ट मीटर भी पढ़ना था सिलेबस में, तो इसमें इतना ही बस लिख देना है कि वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, इसको सर्किट में हम लोग ऐसे लगाते हैं। थोड़ा इसका फिगर उगर बना दीजिए, हो जाएगा इतना। इसके बाद हम लोग को थर्मोमीटर पढ़ना है। थर्मोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, तो थर्मोमीटर यूज किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर। तो इसको टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है थर्मोमीटर, थर्मामीटर को। और इसमें क्या भरा, जनरली इसमें जो लिक्विड का यूज किया जाता है उसमें यूज किया जाता है मरकरी का यूज किया जाता है, मरकरी का यूज किया जाता है, या कुछ एल्कोहल बेस्ड लिक्विड होते हैं उनका भी यूज किया जाता है। ये जो वर्क करता है वो थर्मल एक्सपेंशन पे वर्क करता है, जो वर्क जो थर्मामीटर होता है वर्क ऑन द थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन पे ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल पे वर्क करता है। और जो हम लोग टेम्परेचर का मेजर करते हैं वो क्या है, वो जो इसमें लिक्विड भरते हैं उसके थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन पे ही काम करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन पे काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन पे काम करता है। तो इस तरह से आज ये हमने यहाँ आप लोग का सिलेबस खत्म किया। धन्यवाद।